अच्छा जी, आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की क्लास में क्लास में बाकायदा पढ़ाई करने से पहले ना कुछ एक दो बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। एक तो सबसे पहले कि मैं हूँ कौन। बहुत सारे लोग तो मुझे जानते हैं पहले से, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी जानते, तो मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। अच्छा, मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शुरू की थी 2012-13 के टाइम पर शुरू की थी, और वो मैंने शुरू की थी इसी टेक्नोलॉजी पर, वेब डेवलपमेंट को लेकर। और उस ज़माने में एंगुलर करके चीज़ होती थी, तो उस पर हम काम करते थे। फिर उसके बाद एंगुलर 2 आ गई, फिर वो मार्केट काफ़ी मूव होना शुरू हो गई। फिर रिएक्ट आ गई, रिएक्ट भी काफ़ी चेंज हो गई, तो ये साथ साथ उसको लेकर चलते रहे। अच्छा, उसके बाद फिर 2016-17 में थोड़ा सा AI की हाइप बन गई, तो AI की तरफ भी मूव हो गया थोड़ा सा। अच्छा, तो वेब डेवलपमेंट के साथ साथ अभी राइट नाउ जो मेरी स्पेशलिटी है वो AI चैटबॉट और वॉइस एप्लीकेशन है, ठीक है। लेकिन जो ज़ाहिर है जिस चीज़ से करियर शुरू किया था वो भी साथ साथ चल रहा है। वो ज़ाहिर है वेब डेवलपमेंट तो हर चीज़ की बेस है ये, ठीक है ना। ये वेब की टेक्नोलॉजीज़ ये तो कहीं नहीं जाती। तो वेब डेवलपमेंट जो है मेरा जो करियर जिससे मैंने स्टार्ट किया था अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ, और फुल टाइम फ्रीलांसर हूँ मैं इस वक्त, और इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहा हूँ जिसमें वेब शामिल है और जिसमें वॉइस और चैटबॉट ये चीज़ें शामिल हैं। अच्छा, अपवर्क पे आम तौर पे काम कर रहा होता हूँ, फाइवर पे काम करता हूँ। अच्छा, तो अच्छा अब अगली बात, ये तो मेरा छोटा सा इंट्रो हो गया कि मुझे 10 साल का ऑलमोस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, और ख़ास तौर पे वेब डेवलपमेंट का बड़ा एक्सपीरियंस है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये वाला कोर्स क्यों कर रहे हैं। ये वाला कोर्स क्योंकि इसकी फ़ीस भी बहुत कम है, 1500 रुपये महीने की फ़ीस है, तो आपके जहन में ये सवाल आएगा कभी ना कभी कि सर फुल टाइम फ्रीलांसर हैं आप तो अच्छे पैसे बना लेते होंगे, तो ये 1500 रुपये महीने वाली चीज़ में क्यों टाइम अपना ज़ाया कर रहे हैं आप। तो उसका जवाब बहुत सिंपल सा है कि मेरा जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो तो वही है, फुल टाइम फ्रीलांसिंग जो है। लेकिन ये जो पढ़ाने का मकसद है, इसका एक बहुत मेन और बहुत सिंपल सा मकसद है कि एक तो जिन टीचर्स ने मुझे सिखाया, जिन्होंने मुझ पर मेहनत की और मुझे इस काबिल बनाया, उसमें मेरा तो कमाल नहीं है, ज़ाहिर है जिन लोगों ने मेरे पर मेहनत की है उनका कमाल है। तो अब मेरे पे भी कुछ ना कुछ बनता है कि मैं भी आगे किसी को कम से कम किसी ना किसी काबिल बनाऊं कि चार वो पैसे कमा ले अपने लिए। अच्छा, तो एक तो ये बात है, लेकिन मेन जो असल बात है कि इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान बैंक्रप्सी के दहाने पे खड़ा हुआ है और कोई हाल नहीं है हमारा। कल मैं जा रहा था रास्ते में, आपने अगर मेरी लाइव वीडियो देखी हो तो वो रोड ब्लॉक करके लोग खड़े हुए थे, आधे घंटे तक रोड ब्लॉक हुआ है, तो उनका कोई प्रॉब्लम हो गई थी इलेक्ट्रिसिटी की, इसके लिए उन्होंने रोड बंद किया हुआ था। अच्छा, तो फिर मैं जैसे ही लाइव सेशन करने लगा तो एक दोस्त ने मैसेज किया कि यार जितनी देर में आप लाइव सेशन कर रहे थे ना एक और धमाका हो गया, तो पाकिस्तान के हालात का भी कोई पता नहीं चल रहा, दिन ब दिन ख़राब ही होते जा रहे हैं। अच्छा, और हर तरफ से जो है ना हमारे पास कोई ऐसी उम्मीद की किरण नहीं है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, नौजवान लड़कों के पास और लड़कियों के पास जॉब्स नहीं है करने के लिए, और अल्टीमेटली फिर होता ही है कि वो दूसरी चक्करों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो कुछ गैरकानूनी हरकतें शुरू कर देते हैं। जैसा कि आपने पिछले दिनों अभी देखा होगा कि स्ट्रीट क्राइम बहुत रूज पे चला गया था दरमियान में 2-3 महीने पहले। तो मेन जो इस क्लास का मेरा मकसद है ना वो ये है कि नौजवान नस्ल को कुछ थोड़ा बहुत ऐसा सिखा दिया जाए कि वो चार पैसे बनाने के काबिल हो जाए, क्योंकि मैंने यहीं रहना है, इसी जगह पे रहना है। तो अगर इस जगह को बेहतर बनाने के लिए मैं थोड़ा सा भी कुछ कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो मुझे ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपके मुआशरे में सुधार आ सकता है किसी भी किस्म का, तो वो उसका जो रूट कॉज बनेगा वो एक ही चीज़ बनेगी, वो बनेगा एजुकेशन। और एजुकेशन तो चलो कहने को ठीक है, लेकिन एजुकेशन ऐसी कि जो फॉरेन जो पैसे भी जिससे कमा सके बंदा, तो अच्छा भी लगता है ऐसी पढ़ाई करने में। तो ये मेरा मेन मकसद है, क्योंकि अभी
मैं यहाँ रहूँगा, मेरे आने वाली नस्लें यहाँ पे रहेंगी। अभी कल जो अब कल वाली जो मेरी लाइव वीडियो है अब, तो इस तरह के माहौल को देखकर तो मुझे हौल उठ जाता है ये सोच के कि मेरे आने वाली नस्लें इसी जगह पे रहेंगी वो, और ये हालात ख़राब से ख़राबतर होते जा रहे हैं। तो सोच के मुझे हौल उठ जाता है कि मेरी आने वाली नस्लें इस जगह पे उसने रहना है। ठीक है, तो ये छोटी सी एक काविश है कि भाई जहाँ पे मैं रह रहा हूँ यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के लड़कों को थोड़ा सा किसी काबिल बना दूँ। अच्छा, तो ये हो गया मेन रीज़न। स्टिल मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो वही फ्री लांसिंग है, फुल टाइम फ्री लांसर हूँ मैं। अच्छा, अब एक बात और, कुछ छोटे मोटे ना रूल हैं इस जो शुरू में हमें सेट कर लेने चाहिए। नंबर एक रूल उसमें से है रिस्पेक्ट, के सब लोगों की रिस्पेक्ट करनी है आपने। अगर आप किसी का आप में से बहुत दिल कर रहा है बदतमीज़ी करने का तो वो मुझसे करें। आपस में एक दूसरे से आपको बदतमीज़ी करने की या क्या कहते हैं रूड लहजे में बात करने की कोई इजाज़त नहीं है मेरी तरफ़ से। ठीक है, अगर कोई आपस में आपसे रूड हो भी रहा है कोई, तो आप थोड़ा सा अकल से काम लें और आप उसको जवाब ना दें। ठीक है, तो फिर मैं देख लूँगा उसको कि वो क्यों रूड हो रहा है और क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर इस तरह की कोई चीज़ करता हुआ कोई भी पाया गया तो इस चीज़ को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब एक हेल्दी माहौल बनता है तो वहाँ पे लर्निंग होती है। ठीक है, लर्निंग के लिए आपको एक हेल्दी माहौल चाहिए होता है, एक एक पीसफुल माहौल चाहिए होता है। अगर ये किसी ने भी कोई आपस में इस तरह किया, क्योंकि आमतौर पे स्टूडेंट्स होते हैं, नौजवान खून है, तो थोड़ा खून गर्म होता है बंदे का, तो कभी गुस्सा भी आता है, मुझे भी बहुत आता है गुस्सा। ठीक है, तो लेकिन आपस में बिल्कुल एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। अच्छा, क्योंकि रिस्पेक्ट आप करेंगे तो सामने वाला भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा, गिव एंड टेक वाली बात है। कोई ऐसी बात तो है नहीं कि जो है ना आप कोई हमारे वडेरे भी सारे यही कर रहे हैं जो अभी हुकूमत में बैठे हैं, वो चाहते हैं कि डंडे के ज़ोर पे हम इज़्ज़त करवा लें। डंडे के ज़ोर पे इज़्ज़त कोई भी नहीं करवा सकता, आपको इज़्ज़त देनी पड़ती है फिर ही आपको मिलती है। तो आपको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है अच्छी तरह। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये कोर्स किन लोगों के लिए, ज़रा ये भी एक दफ़ा मैं रिवाइज़ करवा दूँ आपको, कि ये कोर्स किन लोगों के लिए, ये कोर्स सबसे पहले तो एब्सोल्यूट बिगनर्स जो हैं, जिनको प्रोग्रामिंग का कोई भी नहीं पता, कभी प्रोग्रामिंग नहीं की। ये वैसे अलग अलग मैं लोगों को बताता रहा हूँ ये, लेकिन इंडिविजुअली तो बताता रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी चाहता हूँ एक बार मैं रिपीट करूँ। अच्छा, नंबर वन वो बंदा जो एब्सोल्यूट बिगनर है, जिसको कुछ भी नहीं आता। अच्छा, और वो चाहता है कि मैं 3-4 महीने लगा के ये कोर्स सीख जाऊँ, और 3-4 महीने लगा के कोर्स सीखने के बाद 3-4 महीने उसकी प्रैक्टिस करके किस कुछ कमाने के काबिल हो जाऊँ। तो ये उन लोगों के लिए। अच्छा, ये उन ख़वातीन के लिए, हाउस वाइफ्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए है जो चाहती हैं कि वो अपने लिए ख़ुद अर्निंग करें, क्योंकि ख़वातीन के लिए ये कोर्स बहुत बेस्ट हो सकता है, बहुत ही अच्छा हो सकता है। अच्छा, मेरे पास से तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, कोई एक दोस्त कह रहे हैं कि स्क्रीन उनके पास आना बंद हो गई है। दोस्त मेरे अच्छा, पास दोस्त एक छोटा सा क्वेश्चन था, अगर आप मैं पूछना चाहूँ पूछ जी सकता हूँ जी प्लीज़। सर, आपने जिस तरह कहा कि ये कोर्स करने के बाद फिर 4 महीने मेहनत करके, मतलब अपनी सेल्फ स्टडी करके बंदा कुछ अर्निंग के काबिल, तो क्या इसमें इज इट पॉसिबल कि बंदा कोई ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट वगैरह क्रिएट कर सके, स्टोर वगैरह क्रिएट कर सकेगा? जी इंशाल्लाह इस पे इसके भी बारे में बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, तो एक मैंने जिक्र किया कि वो बंदा जो एब्सोल्यूट बिगनर है, दूसरा ख़वातीन। ख़वातीन के लिए ये फील्ड बहुत बेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त है, इससे अच्छी कोई फील्ड ख़वातीन के लिए हो नहीं सकती, क्योंकि हमारे ख़ास तौर पे हमारे कंट्री में ख़वातीन के साथ जो है वो ट्रैवल का बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि लड़कों के पास तो बाइक होती है, वो बाइक चलाते हैं कहीं भी चले जाते हैं, और वो जाके जॉब भी कर लेते हैं, रात को देर से भी आना पड़े तो कोई मसला नहीं है उनके लिए। तो और घर की भी कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं होती उनके ऊपर के मतलब खाना वगैरह बनाना या इस तरह की जो भी सफाई सुथराई वगैरह, ये वाली जिम्मेदारियाँ लड़कों पे आमतौर पे नहीं होती। लड़कियों पे ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फिर दूसरा ये कि वो अगर कहीं भी जाना है उनको, तो बस चिंची पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत बुरा हाल है,
या किसी की से रिक्वेस्ट करें कि भाई भाई छोड़कर आ जाए या अबू छोड़कर आ जाए, पहुंचा के आ जाए, फिर लेने के लिए जाएं। और फिर अगर दूर है तो फिर वो एक अलग प्रॉब्लम है, क्योंकि अब इतनी दूर छोड़ने कौन जाए, करीब हो तो चलो कोई पहुँचा कर आ जाए फिर वापस ले आए। पहली बात तो लर्निंग करना, सीखना, ये भी एक प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि ज़ाहिर है यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट भी ज़ाहिर है हर किसी के घर के पास तो नहीं होते। फिर जॉब करना भी इसलिए एक प्रॉब्लम रहता है कि जॉब में आमतौर पर लेट सेटिंग्स होती हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अगर ख़ास बात करूँ मैं, या कोई भी जॉब करें अगर, तो टाइमिंग ऊपर नीचे होती है, कभी थोड़ा लेट वेट भी होता है, फिर जाने आने का प्रॉब्लम स्टिल अपनी जगह है। तो ये ऑनलाइन क्लास आपको घर पर बैठ के पढ़ाई करनी है, आपके पास सिर्फ एक लैपटॉप और एक इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए और आपकी पूरी पढ़ाई हो सकती है और पूरी प्रैक्टिस हो सकती है। और उसके बाद फ्रीलांसिंग भी आप उसी जगह पे बैठ के घर पे अपने, एक आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, एक इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, आपकी फ्रीलांसिंग भी चलेगी, आप पूरी दुनिया में गोरों के साथ काम करें, उन डॉलर में पैसे कमाएं, ठीक है, और 100% हक हलाल की कमाई है ये, ठीक है। कोई भी आपको ये बोलने की कोशिश करे कि ये हराम है, फलाएँ है, ढिमका है, तो बेवकूफ़ी की बातें हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है ये, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इतना आसान नहीं है। हाँ, अब इसमें एक बात ये हो सकती है कि सॉफ्टवेयर बहुत किस्म के आते हैं, तो क्योंकि हम मुसलमान पहले हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बाद में, तो कुछ प्रोजेक्ट्स लेने से पहले हमें ये देखना भी पड़ता है कि सम टाइम कोई डेटिंग साइट्स वगैरह बनाने के लिए कोई कह देता है तो आमतौर पर जो मुसलमान बंदा होता है वो मना कर देता है उसको, ठीक है। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखते हुए, बाकी तो दुनिया में काम इतना है कि आप कर करके थक जाएंगे, काम ख़त्म नहीं होगा। तो ये दूसरा हो गया। नंबर थ्री कौन है इसका टारगेट? नंबर थ्री जो टारगेटेड ऑडियंस हैं इस कोर्स की, वो हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, वर्डप्रेस पे, पीएचपी पे, या कोई इस तरह की दूसरी टेक्नोलॉजी पे, .NET वगैरह पे, जो आउट ऑफ डेट हो चुकी है और उसमें लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं सॉफ्ट उसमें डेवलपर्स, और उसमें इतना काम अब नहीं रहा, या जाहिर है जब कंपटीशन बढ़ता है तो आपके क्या कहते हैं, जब कॉम्पिटिशन बढ़ता है किसी भी चीज़ का तो क्या होता है कि उसमें आप नहीं करेंगे तो वो कोई और कर देगा, आपसे कम पैसे में करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस तरह की सूरत हाल हो चुकी है बहुत सारी जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसके अंदर, तो उनके लिए ये कोर्स बहुत अच्छा है। अच्छा, वो इनरोल करेंगे इसमें, वो अपनी स्किल्स को रिफ्रेश करें नई टेक्नोलॉजी के साथ, और वो इस नई टेक्नोलॉजी पर जॉब पकड़ें और पहले से ज़्यादा पैसे कमाएँ, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ है। कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर ऐसे भी हो सकते हैं जो रिएक्ट पे ही काम कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन रिएक्ट भी काफ़ी अपडेट हुई है पिछले 2 साल में, ठीक है। तो अगर कोई किसी ने 2 साल पहले रिएक्ट पढ़ी थी और वो उस पर काम कर रहा है, उसको नई वाली रिएक्ट नहीं खुद से वो लर्निंग कर पा रहा, तो वो इसमें एडमिशन लेके उसको रिफ्रेश करें, ठीक है। अभी आप सब लोग जो भी ऑडियंस है वो अपने आप को इस इन टारगेटेड ऑडियंस के दरमियान में कहीं तलाश करें कि मैं इसमें कहाँ एग्जिस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, और इसके अंदर वो कंपनी ऑनर्स जो अपनी कंपनी रन कर रहे हैं, अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, ये उनके लिए भी है। उनका काम क्या है कि वो यहाँ पे आएँ, कोर्स में इनरोल करें, नई टेक्नोलॉजी है सीखें उसको, और सीख कर अपने बिजनेस को नई टेक्नोलॉजी पे लेकर आएँ, ठीक है। किसी का कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है, अभी किसी दोस्त ने मुझसे जिक्र किया था कि उनका कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है, तो जाहिर है वो भी ऐप्स बना रहे हैं, यूज़ भी कर रहे हैं, और क्या कहते हैं, अपने बिज़नेस की उनकी एक पूरी सिस्टम है जो वो कहीं से उन्होंने लिया हुआ है, वो चल रहा है। तो आप सॉफ्टवेयर के स्टार्टअप्स करें या किसी का सॉफ्टवेयर का स्टार्टअप है तो यहाँ से वो बंदे हायर करें, आपको यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग कनेक्टेड हैं और माशाल्लाह सारी बहुत इंथूजियास्ट हैं, वो काम करना चाह रहे हैं, मेहनत करना चाह रहे हैं, पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो इनको देखें, इनमें से जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको हायर करें, आपको सस्ते में बंदा मिलेगा, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, कल को आप कहीं और से भी अगर हायर करते हैं तो आपको कोई चूना नहीं लगा पाएगा, एटलीस्ट आप इतना तो सीख ही जाएंगे इस कोर्स में। तो ये थोड़ी बहुत जो टारगेटेड ऑडियंस है इस कोर्स की, जो उसका जिक्र हो गया। अच्छा, अब एक आखिरी बात रह गई, तमहीदी गुफ्तगू जिसको हम कहते हैं, उसके बाद हम फिर अभी कोडिंग की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, वो बात ये है कि देखें, हम यहाँ पे पढ़ाई करने बैठे हैं, लेकिन एज अ मुस्लिम हमारा ये ईमान है कि जो इल्म है ना वो अल्लाह पाक के ख़जानों में से आता है,
ठीक है, ये एज अ मुस्लिम हमारा ईमान है। तो मेरी मेरी कोई मजाल नहीं है कि मैं आपको पढ़ा दूँ, या मुझे भी जिन लोगों ने पढ़ाया तो मैं कोई बहुत जीनियस नहीं था कि मैं पढ़ गया, मतलब अपनी मेहनत से पढ़ गया। ठीक है, इल्म अल्लाह के ख़जानों में से आता है, जैसे रिज़्क आपका है, रिज़्क में ही शामिल है इल्म भी एक तरह से। और आप अल्लाह पाक से इल्म मांगेंगे, ठीक है, मांगने से मिलने वाली चीज़ है ये। एक तो आपको मेहनत करनी है, बकदरे एफर्ट तो है ही सारी चीज़ें, लेकिन आपको अल्लाह पाक से मांगना है। जब भी आप पढ़ाई करने बैठेंगे तो आप अल्लाह से दुआ करेंगे कि मेरे ऊपर इल्म के दरवाज़े खोल दें। ठीक है, अच्छा, एक बड़ी ज़बरदस्त दुआ है, मेरे हमारे एक टीचर थे काशिफ रिजवान साहब, उन्होंने सिखाई थी हमें। अच्छा, वो आप गूगल पे लिखेंगे ना आबे जमजम पीने की दुआ, तो वो आ जाएगी सामने फ़ौरन। ठीक है, अच्छा, दुआ क्या है? अल्लाह, अभी मैं ख़ुद भी भूल रहा हूँ, जल्दी से मैं लिख लेता हूँ आबे जमजम की दुआ। हाँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व रिज़्कन वासिया व शिफा मिन कुल्ली दा। इसमें तीन बातें आप मांग रहे हैं अल्लाह पाक से। सबसे पहले नफ़े वाला इल्म, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया। नफ़े वाले इल्म का मतलब क्या है कि शायद हर इल्म नफ़े वाला नहीं होता, जब ही अल्लाह पाक ने ऐसी दुआ में सिखाई है, और या शायद हर इल्म हर बंदे के लिए नफ़े वाला नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले नफ़े वाला इल्म आपने मांगा इस दुआ में, इल्मन नाफिया, उसके बाद रिज़्क़न वासिया, रिज़्क वसअत वाला रिज़्क। ठीक है, अच्छा, रिज़्क सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं है, जो रिज़्क है वो बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है उसका। आपके अच्छे पड़ोसी, आप जिस घर में रह रहे हैं, आपके पास जो जिस गाड़ी में आप घूम रहे हैं, और आपके अच्छे दोस्त अगर आपके हैं, माँ बाप आपके अगर मेहरबान है आपके ऊपर, ठीक है, आपकी औलाद अगर अच्छी है, ये सारी चीज़ें रिज़्क में शामिल हैं। आप जो कपड़े पहन रहे हैं, और आप जिन लोगों से मिल रहे हैं, जिस जगह पे आप जॉब कर रहे हैं, जो आपको टीचर अगर कोई अच्छा मिल गया है, तो ये सब चीज़ें रिज़्क में शामिल हैं। ठीक है, तो ये रिज़्क बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो वसअत, इस रिज़्क में वसअत आपने तलब की, और शिफा मिन कुल्लीदा, तमाम बीमारियों से शिफा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ आप मांग रहे हैं। तो मेरा ये आम तौर पे मामूल है कि मैं जब भी पढ़ाई करने बैठता हूँ तो मैं ये पढ़ता हूँ, वैसे भी कभी मौका मिलता है तो पढ़ लेता हूँ। अच्छा, तो इल्म कहाँ से आएगा? इल्म अल्लाह पाक के ख़जानों में से आएगा, और आपको ये इल्म मांगना पड़ेगा। नमाज़ पढ़ के आपने दुआ करनी है कि इल्म के दरवाज़े आप पे खोल दिए जाएँ, तो आप इंशाल्लाह सीखेंगे। अच्छा, और साथ साथ आपने मेहनत भी करनी है, ऐसा नहीं होगा कि आप बस मांगते रहें अल्लाह से और आप हाथ पैर ना हिलाएं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अच्छा, ये थोड़ी सी तमहीदी गुफ्तगू थी, ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली है, और उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग अगर भूल जाएं तो दोबारा इसको देख लीजिएगा, ये बातें दोबारा से आप रिमाइंड करवाते रहिएगा अपने आप को थ्रू आउट द कोर्स। अच्छा, इस कोर्स का जो हमारा ले के चलने का तरीका होगा वो हम किस तरह से करेंगे कि अपने टाइम को थोड़ा सा डिवाइड करेंगे। ठीक है, शुरू का जो हमारा 10-15 मिनट है उसमें हम थोड़ी सी ऐसी मोटिवेशन वाली बातें थोड़ी कर लेंगे, समटाइम थोड़े हालात हाजरा पे हम कुछ डिस्कस कर लेंगे, या कोई ऐसी नई डेवलपमेंट अगर हो रही है सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में तो हम उसको डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम बाकायदा पढ़ाई शुरू करेंगे, और पढ़ाई शुरू करने के बाद हम थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे हर क्लास में। अच्छा, नंबर दो हम क्या करेंगे, थोड़ी से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जितनी पढ़ाई करेंगे उससे प्रैक्टिस उसकी डबल करनी है ना। ठीक है, जितनी पढ़ाई करेंगे उसकी डबल प्रैक्टिस। अच्छा, नंबर थ्री, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसकी डबल मार्केटिंग करेंगे। ये आपने हमेशा जहन में रखना है, अगर आप मार्केटिंग नहीं कर पा रहे अपनी तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अपनी मार्केटिंग करने में आपको बिल्कुल बेशरम होना चाहिए, कोई शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हम कैसे करेंगे मार्केटिंग? हो सकता है कभी कभी मैं इसी लाइव सेशन के दौरान ना, इसी लाइव सेशन के दौरान मैं फेसबुक लाइव ये फ़ोन से अपने ना चलाऊँ, हो सकता है। ठीक है, मैं भी थोड़ी आपकी हेल्प करूँगा मार्केटिंग करने में। आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि देखो, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का ना सोशल मीडिया एक, जैसे फेसबुक होता है आम लोगों का होता है, ट्विटर होता है आम लोगों का, इंस्टाग्राम होता है मॉडल्स का, इसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का एक सोशल मीडिया है, सॉफ्टवेयर डेवलपर का फेसबुक कह लें आप उसको। अच्छा, वो क्या है? नंबर एक, github.com। नंबर दो,
stackoverflow.com, नंबर थ्री linkedin.com, लिंक और इन है उसके आगे, ठीक है। ये तीन प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो आपको आपकी ग्रोथ में बहुत हेल्प करेंगे आपके। अच्छा, आपको करना क्या है, इन तीनों जगह पे अकाउंट बना लेना है। गिटहब में अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत सारे लोगों ने बना लिया, ठीक है। अच्छा, तीनों प्लेटफॉर्म का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं करवा देता हूँ अभी। नंबर एक जो आपका github.com है, वो उसमें ना कोड आप रखेंगे सारा, जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे, टास्क अपना बनाएंगे या असाइनमेंट्स बनाएंगे, कोई छोटी मोटी वेबसाइट कुछ भी बनाएंगे आप, उसका कोड आपने गिटहब में पुश करना है। अच्छा, मैं भी क्लास के दौरान जो कोड लिखूंगा वो भी मैं आपको गिटहब के ज़रिए ही आपको दिया करूंगा मैं, ठीक है, जो भी क्लास के दौरान हम कोडिंग करेंगे। नंबर सर, वो गिटहब पे पुश करने का तरीका और ये चीज़, हाँ, वो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। वो हम अभी तो फिलहाल अकाउंट बना लें, अभी इससे ज़्यादा अभी फ़िलहाल नहीं कह रहा मैं आपसे। वेल, अच्छा, नंबर दो stackoverflow.com। stackoverflow क्या है कि जब डेवलपर जब सॉफ्टवेयर बनाते हुए कहीं पे स्टक हो जाता है तो वो stackoverflow.com पे जाता है और अपना सवाल लिखता है वहाँ पे, ठीक है, और अपना सवाल लिख के वो कहता है कि यार कोई अगर किसी को आता है तो वो जवाब दे दे। अच्छा, जो बंदा जवाब देता है उसकी रेपुटेशन ऊपर जाती है, तो लोग जवाब देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये स्टैक ओवरफ्लो बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अगर आपकी स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर अच्छी रेपुटेशन, अच्छा सवाल पूछने पे भी रेपुटेशन है, अगर अच्छा सवाल पूछा है ना आपने उस पे भी रेपुटेशन मिलती है। तो क्यों, वो एक कहते हैं ना कि हुस्ने सवाल आधा इल्म है, कि अगर आप अच्छा सवाल पूछ रहे हैं तो आधा इल्म आपके सवाल में ही छुपा हुआ है, क्योंकि सवाल अच्छा सवाल करना भी एक बड़ी बात है कि मतलब कोई चीज़ आप सीख। जी दोस्त, बस साइन अप होगा उसके ऊपर, जैसे फेसबुक पे आप जाके साइन अप करते हैं, इसी तरह stackoverflow.com पे जाएंगे साइन अप करेंगे। अब वो जब आप जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता उस पर इन्वॉल्व होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा वो किस तरह यूज़ होता है। हम स्टैक ओवरफ्लो अक्सर हम जब कोर्स के दौरान भी कहीं पे स्टक होंगे तो हम स्टैक ओवरफ्लो पे जाके उसका आंसर देखा करेंगे, तो वो आपको आइडिया हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, तो स्टैक ओवरफ्लो पे अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है ना, तो मैं आपको पर्सनल बता रहा हूँ, मेरे पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे आए हैं जिन्होंने मेरा स्टैक ओवरफ्लो पे ना, मैंने कोई आंसर किया था किसी बात का, लंबा मजमून लिख के आंसर किया था मैंने, उसको देख के वो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया ईमेल पे मेरे, और उन्होंने कहा कि मलिक आपने जो आंसर किया है यहाँ पे, मेरे पास एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है, तो लेकिन आपका आंसर तो मैंने पढ़ा लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे होगा, तो आप एक काम करो, मुझसे आप चार्ज करो जो भी आपके आर्ली चार्जेस हैं और मेरे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो आप। और वो मैंने प्रॉब्लम उसका सॉल्व किया जो छोटे थोड़े पैसे लेके उससे, फिर अगले 6 महीने तक उसके साथ मैंने प्रोजेक्ट पे काम किया और अच्छे खासे पैसे उससे मैंने कमाए, ठीक है। तो ये स्टैक ओवरफ्लो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकायदा लोग रिज्यूमे में इसको मेंशन करते हैं। अब जैसे मेरे पास कोई 3000 के करीब उसमें रेपुटेशन है, तो मैं मेंशन करता हूँ कि मेरा स्टैक ओवरफ्लो पे 3000 प्लस रेपुटेशन है। नंबर तीन, लिंक्डइन। लिंक्डइन क्या है, बिल्कुल फेसबुक की तरह है। आप जो भी कुछ बनाएंगे ना, आज की क्लास में आपने क्या सीखा, क्या पढ़ा आपने, आपने जाके लिंक्डइन पे पोस्ट करना है और फेसबुक पे भी पोस्ट करना है। फेसबुक और लिंक्डइन काइंड ऑफ एक ही है दोनों, लेकिन थोड़े से काम धंधे वाले लोग लिंक्डइन पे ज़्यादा रहते हैं, फेसबुक पे कम होते हैं। तो आज की क्लास में आप सब लोगों ने, जो भी लोग कनेक्टेड हैं, जो भी लोग देख रहे हैं या जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे, उनको क्या करना है कि आज की क्लास में जो भी आपने सीखा है वो आपने लिंक्डइन पे और फेसबुक पे पोस्ट बना के लगानी है कि भाई आज मैंने क्लास में ये सीखा, आज हमारी पहली क्लास थी। और इसी तरह जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते जाएंगे तो आप जो भी कुछ बनाएंगे, जो भी कुछ सीखेंगे, वो आपने अपने फेसबुक पे, अपने लिंक्डइन पे शेयर करना है, सब लोगों को बताना है कि मैं ये कर रहा हूँ। और बिल्कुल बेशरम होने की ज़रूरत है आपको इस चीज़ में, बिल्कुल कोई शर्म करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेशरम होकर अपनी मार्केटिंग करें। अगर कोई कहे कि यार ये तो हर वक्त क्या अपना बनाते रहते हो, तो वो इग्नोर करें उसको, ठीक है, उसको बोलें कि यार शेयर कर दो तुम। अच्छा, तो ये हमने तीन जिक्र किया। अच्छा, अब हम ज़रा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ।
अच्छा, जिसको भी अगर मेरी आवाज़ नहीं आ रही है तो वो काइंडली मैसेज पे ज़रा बता दीजिए कि वो ना अपना स्पीकर वगैरह चेक कर लें, क्योंकि मेरे पास से तो यहाँ आवाज़ बिल्कुल सही जा रही है, और मेरे पास सर आवाज़ की आपकी बिल्कुल सेट है, आवाज़ बिल्कुल सेट है ना। ज़रा उनको गाइड कर दें मैसेज पे ना कि वो अपना कुछ रीस्टार्ट वगैरह कर लें, रिकनेक्ट कर लें। अच्छा,